हे गेमर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है हर्ष एंड आप सभी लोग का स्वागत है यार हमारी एक और नई और शानदार वीडियो में। तो गाइस, अगर आप लोग भी एक बजट गेमर हैं, आप लोग के पास पैसे नहीं है गेम्स को परचेस करने के लिए, तो ये वीडियो यार आप लोग के लिए, क्योंकि यार आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टॉप 10 फ्री टू प्ले पीसी गेम्स ऑन स्टीम। सारे गेम्स यार बहुत ही कमाल के हैं, उनको प्ले करने में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाली है। एंड इस टॉपिक के ऊपर जो है मैंने पहले भी और वीडियोस को बना रखा है, तो आप लोग जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हो। उन वाली वीडियोस में भी जो है मैंने बहुत अच्छे अच्छे गेम्स को शामिल किया था। बाकी इस वाली वीडियो में कौन से वो 10 गेम्स हैं उनके बारे में जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो है 10th नंबर पे गेम आता है वो है बैटल टीम्स 2। ये एक टैक्टिकल मल्टीप्लेयर शूटिंग गेम है जिसमें आप एक स्किल्ड सोल्जर बनके इंटेंस बैटल्स और स्ट्रेटेजिक मिशंस में शामिल होते हैं। इस गेम में आप लोग को टीम बेस्ड कॉम्बैट, इमर्सिव इन्वायरमेंट्स और डायनेमिक गेम प्ले का मजा मिलता है। जहां गेम प्ले की बात करें यार, तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहां आप लोग को टीम वर्क, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और प्रिसाइज शूटिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। जहां गेम के विजुअल्स की बात करें यार, तो काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक है, जो आप लोग को एक इमर्सिव बैटलफील्ड एटमॉस्फेयर में ले जाती हैं जो आप एनिमीज के अगेंस्ट लड़ते हैं। और इस गेम में जो है गाइस, आप लोग को कई तरह के वेपन्स, गैजेट्स और कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलते हैं, जो आपको अपने प्ले स्टाइल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को टैक्टिकल शूटिंग गेम्स, टीम बेस्ड कॉम्बैट और मल्टीप्लेयर एक्शन पसंद है, तो बैटल टीम्स 2 आप लोग के लिए एक थ्रिलिंग गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 9th नंबर पे गेम आता है वो है Eternal Return। ये एक यूनिक बैटल रॉयल गेम है जिसमें आप एक सर्वाइवल बनके मिस्टीरियस आइलैंड पर अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। इस गेम में आप लोग को इंटेंस कॉम्बैट और स्ट्रेटेजिक डिसीजन का मजा मिलता है। जहां गेम प्ले की बात करें यार, तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहां आप लोग को रिसोर्स कलेक्ट करना पड़ता है और अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं। गेम के विजुअल्स की बात करें यार, तो वो भी काफ़ी डिटेल्ड और इमर्सिव है, जो आप लोग को एक थ्रिलिंग आइलैंड एडवेंचर एक्सपीरियंस देती हैं जब आप दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। और इस गेम में जो है गाइस, आप लोग को कई तरह के वेपन्स और एबिलिटीज मिलते हैं, जो आपको एनिमीज को हराने में और अपने सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इंटेंस बैटल रॉयल एक्सपीरियंसेस और स्ट्रेटेजिक गेम प्ले पसंद है, तो Eternal Return आप लोग के लिए एक थ्रिलिंग गेमिंग एडवेंचर हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 8th नंबर पे गेम आता है वो है वर्ल्ड ऑफ टैंक्स ब्लिट्स। ये एक MMO एक्शन शूटर गेम है, जहां गेम में आप लोग को एक्शन पैक्ड 7v7 बैटल्स प्ले करने होते हैं। इस गेम में आप लोग को 300 मैसिव टैंक्स देखने को मिलेंगे, उसके साथ में यहां पे आप लोग को 26 यूनिक बैटल अरिनाज भी देखने को मिलेंगे। एंड बात करें गेम के ग्राफिक्स की, तो यार वो भी काफी स्टनिंग है। एंड ये गेम यार मेनली फोकस करता है ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मैचेस पर। एंड इस गेम में जो है गाइस, आप लोग को कॉन्स्टेंट अपडेट भी देखने को मिलते रहेंगे, जिससे गेम में जो है न्यू चीजें ऐड होती रहेंगी, जो कि आप लोग को गेम में इंगेज रखेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग को टैंक बैटल्स एंड मल्टीप्लेयर मैचेस पसंद है, तो ये गेम यार आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 7th नंबर पे गेम आता है वो है पिक्सेल गन 3D। ये एक वाइब्रेंट फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जिसमें आप एक पिक्सेलेटेड वर्ल्ड में अपने स्किल्स का मजा लेते हैं। इस गेम में आप लोग को कलरफुल ग्राफिक्स और फास्ट पेस्ड एक्शन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जहां गेम प्ले की बात करें यार, तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहां आप लोग को वेरियस गेम मोड्स और चैलेंजेस कंप्लीट करने होते हैं, इंक्लूडिंग मल्टीप्लेयर बैटल्स एंड सोलो कैंपेन्स। इस गेम के विजुअल्स की बात करें यार, तो काफ़ी कलरफुल और चार्मिंग है, जो आप लोग को एक यूनिक पिक्सेलेटेड वर्ल्ड में ले जाती हैं जब आप अपने एनिमीज के अगेंस्ट लड़ते हैं। और इस गेम में जो है आप लोग को कई तरह के वेपन्स और गैजेट्स मिलते हैं, जैसे कि गन्स, ग्रेनेड्स और मिली वेपन्स, जो आप लोग को हर सिचुएशन में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को कलरफुल ग्राफिक्स और फास्ट पेस शूटिंग गेम्स पसंद हैं, तो पिक्सेल गन 3D आप लोग के लिए एक एंटरटेनिंग गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 6th नंबर पे गेम आता है वो है फिशिंग प्लैनेट। ये एक हाईली रियलिस्टिक फर्स्ट पर्सन ऑनलाइन मल्टीप्लेयर फिशिंग सिमुलेशन गेम है, जहाँ गेम में आप लोग को अलग अलग जगहों पर फिशिंग करके मिशंस को कंप्लीट करना है। इस गेम में जो है गाइस, आप लोग को 170 प्लस जो है फिश के स्पीशीज देखने को मिलेंगी, उसके साथ में ही जो है यहाँ पे आप लोग को 25 सीनिक वाटरवेज देखने को मिलेंगे विद फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स। और गेम में जो है गाइस, आप लोग को थाउजेंड्स ऑफ टैकल्स एंड ल्यूर्स के कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिलेंगे, उसके साथ में यहाँ पे आप लोग को डायनेमिक वेदर एंड 3 टाइप की मोटर बोट्स देखने को मिलेंगी, जहाँ पे हर एक बोट की जो स्पीड है वो यहाँ पे आप लोग को अलग अलग देखने को मिलेंगी। और गेम के विजुअल्स की बात करें यार, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है, आप लोग को गेम प्ले करने में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाली है। एंड ये गेम यार क्रॉस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है, तो आप लोग जो यहाँ पे मोबाइल प्लेयर्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ऐसे सिमुलेशन वाले गेम्स पसंद हैं, तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई जरूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा 5th नंबर पे गेम आता है वो है Fallout Shelter। ये एक इंगेजिंग सिमुलेशन गेम है जिसमें आप एक वॉल्ट ओवर सीर बनके अपने ओन अंडरग्राउंड शेल्टर मैनेज करते हैं।
इस गेम में आप लोग को रिसोर्स मैनेजमेंट, बेस बिल्डिंग और सर्वाइवल का मज़ा मिलता है। जहाँ गेम के गेम प्ले की बात करें यार, तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहाँ आप लोग को अपने वॉल्ट डॉयलर्स की नीड्स को मैनेज करना पड़ता है उन्हें हैप्पी एंड प्रोडक्टिव रखने के लिए। इस गेम के विजुअल्स की बात करें यार, तो काफ़ी चार्मिंग और रेट्रो स्टाइल की हैं, जो आप लोग को एक इमर्सिव वॉल्ट इन्वायरमेंट में ले जाती हैं। और इस गेम में जो है गाइस, आप लोग को कई तरह के रूम्स, रिसोर्सेस और वॉल्ट एक्सपेंशंस ऑप्शंस मिलते हैं, जो आपको अपने शेल्टर को कस्टमाइज़ करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को सिमुलेशन गेम्स, बेस बिल्डिंग और पोस्ट अपोकलिप्टिक सेटिंग्स पसंद हैं, तो फॉलआउट शेल्टर आप लोग के लिए एक एंटरटेनिंग गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो हमारा फोर्थ नंबर पर गेम आता है वो है गूज गूज डक। ये एक हिलेरियस मल्टीप्लेयर डिसेप्शन गेम है, जिसमें आप एक क्यूट कैरेक्टर के रूप में एक क्विर्की इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इस गेम में आप लोग को सोशल डिडक्शन, स्ट्रेटेजिक डिसीट और कोऑपरेटिव गेम प्ले का मजा मिलता है। जहां गेम के गेम प्ले की बात करें यार, तो काफी इंगेजिंग है, जहां आप लोग को अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट कम्पीट करते हुए हिडन रोल्स और टास्क को जो है पता लगाना पड़ता है और उन्हें कम्प्लीट करना पड़ता है। और गेम के विजुअल्स की बात करें यार, तो वो भी काफ़ी कलरफुल और चार्मिंग है, जो आप लोग को एक फन फील्ड इन्वायरमेंट में ले जाती हैं जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। और इस गेम में जो है गाइस, आप लोग को कई तरह के टास्क, सीक्रेट रोल्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट मिलते हैं, जो आप लोग को एक एंटरटेनिंग गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को सोशल डिडक्शन गेम्स, मल्टीप्लेयर फन और क्विर्की कैरेक्टर्स पसंद हैं, तो गूस गूस डक आप लोग के लिए एक इन्जॉयबल गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा थर्ड नंबर पे गेम आता है वो है SCP सीक्रेट लेबोरेटरी। ये एक मल्टीप्लेयर हॉरर गेम है, जो कि इंस्पायर्ड है SCP यूनिवर्स से। इस गेम में आपका मिशन होता है ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना डेंजरस क्रिएचर्स एंड एंटिटीज से। एंड यहाँ पे जो है आप लोग को अपने मिशन के साथ साथ अपने सर्वाइवल पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ हर स्टेप पर खतरा है। गेम के एटमॉस्फेयर की बात करें तो यार, डार्क है एंड जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी स्केरी हैं, जो आप लोग को एक हॉरर फील्ड इन्वायरमेंट में ले जाते हैं। तो अगर आप लोग जो है कमज़ोर दिल वाले हैं, तो इस गेम को आप लोग को ट्राई नहीं मारना है। बट अगर आप लोग यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी हैं एंड आप लोग को हॉरर गेम्स पसंद हैं, तो इस गेम को आप लोग को डेफिनेटली ट्राई मारना चाहिए। आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है। बाकी यहाँ पे जो हमारा सेकंड नंबर पे गेम आता है वो है स्टम्बल गाइस। ये एक एंटरटेनिंग बैटल रॉयल गेम है, जिसमें आप एक क्यूट कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जो ऑब्स्टिकल से गुजरते हुए और दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। इस गेम में आप लोग को फास्ट पेस्ड गेम प्ले, हिलेरियस ऑब्स्टिकल्स और कॉम्पिटिटिव मैचेस का मज़ा मिलता है। जहां गेम के गेम प्ले की बात करें यार, तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहां आप लोग को क्विक रिफ्लेक्सेस और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और गेम के विजुअल्स की बात करें यार, तो काफ़ी वाइब्रेंट और कलरफुल है, जो आप लोग को एक फन फील्ड ऑब्स्टिकल कोर्स इन्वायरमेंट में ले जाती हैं, जब आप दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट कम्पीट करते हैं। और इस गेम में जो है गाइस, आप लोग को कई तरह के चैलेंजेस, पावर अप्स और कॉस्मेटिक कस्टमाइजेशंस मिलते हैं, जो आपको एक एंटरटेनिंग गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को बैटल रॉयल गेम्स, मल्टीप्लेयर फन और कॉम्पिटिटिव गेम प्ले पसंद है, तो स्टम्बल गाइस आप लोग के लिए एक थ्रिलिंग गेमिंग चॉइस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर पे गेम आता है वो है प्रीडिसेसर। ये एक थ्रिलिंग मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना गेम है, जिसमें आप अपने फेवरेट हीरोज़ के रूप में लेजेंड्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। इस गेम में आप लोग को इंटेंस टीम बेस्ड कॉम्बैट और स्ट्रेटेजिक गेम प्ले का मज़ा मिलता है। जहाँ गेम के गेम प्ले की बात करें यार, तो काफ़ी इंगेजिंग है, जहाँ आप अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करते हैं और एनिमीज के अगेंस्ट लड़ते हैं। गेम के विजुअल्स की बात करें यार, तो काफ़ी डिटेल्ड और इमर्सिव है, जो आप लोग को एक फैंटेस्टिकल वर्ल्ड में ले जाती हैं, जहाँ आप अपने एबिलिटीज और पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। और इस गेम में जो है गाइस, आप लोग को कई तरह के हीरोज़ और एबिलिटीज़ मिलते हैं, जो आपको अपने प्ले स्टाइल के अनुसार कस्टमाइज़ करने में और अपने एनिमीज़ को हराने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को इंटेंस टीम बेस्ड कॉम्बैट और स्ट्रेटेजिक गेम प्ले पसंद है, तो प्रीडिसेसर आप लोग के लिए एक एपिक मोबा गेमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इस गेम को आप लोग को एक बार ट्राई ज़रूर मारना चाहिए। सो गाइस, ये थे हमारे आज के वीडियो के टॉप 10 फ्री टू प्ले PC गेम्स ऑन स्टीम। तो ये गेम्स यार आप लोगों को कैसे लगे एंड आप लोगों ने कौन कौन से गेम्स पहले खेल रखे हैं एंड कौन सा गेम जाके ट्राई मारने वाले हो, वो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं यार आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।